डकी भाई इस वक्त यूथ सेंसेशन है मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकली ठीक है, है। अरूप को कोई नहीं जानता था। उनकी फैमिली में इस तरह का वाक्य हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनकी बीवी की फैब्रिकेटेड वीडियोस निकाली गई अगर उसकी बीवी की वीडियो बनी हुई तो वॉट इज द पॉइंट अपनी बीवी को साथ बिठा जस्टिफाई जस्टिफाई करना ही क्यों है भाई देखिए उन्होंने अपने छह मिलियन वाले पेज लगाई है इसके पीछे क्या और खासतौर पर अपनी बीवी को साथ बिठाना

उठो पाकिस्तान के एक नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साइजराना हाजिर नाजरीन जिस तरह आपको पता है कि पिछले दिनों बल्कि अभी चंद दिन की बात है डकी भाई अलमशहूर साध साहब ने अपना एक और नई कॉन्ट्रोवर्सी को जनरेट किया आई डोंट नो इसमें सच क्या है झूठ क्या है लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जैसी टेक्नोलॉजी पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो गया क्योंकि जो माशरे में औरत का एक मकाम है और हर एक के घर में माएँ बहनें बेटियाँ आपको पता सबकी साझी होती हैं अब जिस तरह के उन्होंने बताया कि उनकी बीवी की एक डीप फेक वीडियो अपेरेंटली को एक तरह की नाजेबा वीडियो वायरल की गई है जिसके अंदर किसी ने उनकी फ़ोटो को यूज़ करके एआई एप्स की मदद से उसको जनरेट किया और उसको एक गलत तरीके से माशरे में पोर्ट्रेट किया तो इस हवाले से माशरे में बहुत ज़्यादा एक हिजान की कैफियत है लोग परेशान भी और ख़ुद डी भाई ने सोशल मीडिया पे आके इस हवाले से कहा है कि जी मुझे वो बंदा दिखाएं मुझे मैं दस लाख रुपए का ऐलान करता हूँ मैं आपका नाम सीख राज में रखूँगा मैं मतलब मुख्तलिफ उन्होंने बातें की साथ में उनकी बेगम बैठी थी वो भी बहुत रो रही थी ऑब्वियसली एक औरत के लिए शर्मो है और उसकी इज्जत सबसे पहले होती है तो आज इस हवाले से मैं दोबारा से ज़ारा मंच के साथ मौजूद हूँ उनसे मैं पूछूंगा इस हवाले से कि डी फेक वीडियो और टक्की भाई के मामले को एक यंग जनरेशन का माइंड किस्सा देता है ज़ारा जी वाईक दा सबसे पहले तो आपको पता है डकी भाई इस वक्त यूथ सेंसेशन है ठीक है बच्चे बच्चे उनको फॉलो करते हैं लोग वो गाड़ी में बाहर निकलते हैं तो लो लोग उसके पीछे पीछे होते हैं बच्चे उनकी फैमिली में इस तरह का वाक़ा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उनकी बीवी की फैब्रिकेटेड वीडियोस निकाली गई हैं जो कि एक बहुत गलत बात है मैं किसी की भी भाई बहन बेटी के ऊपर खुश नहीं हो सकता सिर्फ इसलिए कि मुझे उनकी कुछ चीज़ों से अख्तिलाफ़ है क्या कहेंगे आप एब्सोल्युटली अगर देखा जाए तो ये लाइक जो वीडियो निकली है ये वीडियो तो मतलब आ, हर बंदा सबसे पहले अपने ऊपर रखी सोचता है कि मतलब अगर मेरे से और इस्पेशली मैं ख़ुद एक फीमेल हूँ तो आई कैन टोटली रिलेट मतलब कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है किसी ने अगर की है तो ये बहुत ही थर्ड क्लास हरकत है मतलब आई डोंट थिंक सो कि इससे कोई नीच हरकत और हो सकती है और ये बहुत मतलब ट्रामिटाइजिंग uh, बात है और ये आई होप सो कि जिसके साथ हुआ है वही बेहतर फील कर सकते हैं कि मतलब वो कितना वो मतलब बंदी कितनी स्ट्रेस्ड आउट थी आप आजकल किस तरह देखती हैं जिस तरह आप भी यंग जनरेशन है पढ़ी लिखी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक तरह बड़ा लोगों को हेल्प आउट भी किया एक तरह की एक ऐप है लेकिन इसका ये जो मिस यूज़ हो रहा है इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि कितना को लोगों को और और अवेयर होने की ज़रूरत है और ये जो एक तरह का फैमिली को आप पोर्ट्रे करके आगे लाते हैं सोशल मीडिया पर उसको तो कोई भी गलत तरीके से यूज़ कर बिल्कुल ये बात सही है अब जैसे अब आप डक्की भाई की एग्जांपल ले लें उनके जितने मतलब मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और मतलब हर आप जो भी मतलब मेरे अपने भाई हैं वो भी उनको ढकी भाई ढकी भाई मतलब सुबह ढकी भाई शाम ढकी भाई सबसे पहले तो उन्होंने अपनी फैमिली को ख़ुद पोट्री किया हुआ है लोगों के सामने मतलब कोई उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है ही नहीं उसके बाद वो कहते हैं कि जी जो यूट्यूब वाली चीज़ें आपको नहीं पता कि अंदर हमारी प्राइवेट लाइफ में क्या हो रहा है मेरा नहीं ख्याल क्योंकि सोते हैं उठते हैं और मतलब उनका सीन ये है कि वो सिर्फ अपनी वीडियो नहीं उसमें उनकी मदर भी आ रही होती हैं वाइफ भी आ रही होती हैं उसके बाद ये चीज़ें होना मेरा नहीं ख्याल क्योंकि ये चीज़ें तो फिर होंगी क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हद तक लाइक आगे चल जा चुकी है कि ये चीज़ों को मिस करना कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है और हाँ उस बंदे के लिए जो पहले ही फेमस हो और ऐसा इंसान जिसने लाइक अपनी पूरी फैमिली को पहले से ही वायरल किया हुआ है तो आई डोंट थिंक सो ये कोई मुश्किल काम है और मिस यूज़ करना कोई इतना मुश्किल है अच्छा एक और चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप ख़ुद यंग माइंड सेट हैं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ती हैं क्या इसके पीछे कोई ऐसी चीज़ तो कार फरमा नहीं है कि उन्होंने खुद क्योंकि वो लाइम से थोड़ा हटता जाता है आपको पता है यूट्यूब एक बड़ी फास्ट चीज़ है इस पर आप रेलिवेंट लेने के लिए व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग तो आया खुदा ना खास्ता ये तो नहीं है कि उन्होंने कोई इस हवाले से खुद ही कोई ऐसा इकदाम किया हो क्या लगता है आप देखिए कुछ भी हो सकता सकता है लाइक वी नेवर नो कि कोई स्टांड उनका अपना ही हो क्योंकि मैं, मैं, मैंने अपनी अपने यूनिवर्सिटी जाके दोस्तों से पूछा कि तुम लोगों ने कोई ऐसी वीडियोज़ देखी है मैंने वो वीडियो नहीं देखी अंटरॉल्स में वो डक्की भाई की वो वीडियो इतनी ट्रेंडिंग पे चली गई कि मैं इवन दो आई डोंट फॉलो हिम बट स्टिल वो फॉर यू पेज पे आना शुरू हो गई और आपको पता है रिकमेंडेशन में आने लग गई उनकी वीडियोस और उनकी लाइक वाइफ के पिक्चर्स जूम आउट करके उसके ऊपर रेड रिंग आ रहा था लाइक like, जिससे आप वो नहीं करते थे uh, like, राइट कर

शरीफ घर तो कभी अफोर्ड लोग तो बात नहीं करते अगर ऐसी कोई हो जाए तो मैं बिल्कुल इस चीज़ के लाइक like, एग्री uh, करती हूँ बात यह कि क्या नाम है उन्होंने सबसे पहले अपनी वाइफ को बिठाया साथ ठीक है उसके बाद ये स्टंट जरूर हो सकता है क्योंकि ये जो यूट्यूबर्स हैं ना ये अपने फॉलोअर्स के पीछे और अब आप देखें ना वो जब से उन्होंने वीडियो अपलोड की है उसकी रीच क्या है मतलब उसके कितने मिलियन व्यूज़ हो गए मतलब उनके फॉलोअर्स से ऊपर की उनकी रीच है उसके बाद जो अगर 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 तो ऐसी बात मतलब उनके साथ ज्यादा हुई है तो अवल तो लोग इतना बताते ही है मतलब जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो भी अब उन्होंने जाके उनकी रील देखी उसके फै... बाद पता चला कि जी कोई ऐसी वीडियो बनी है मेरे जैसे इंसान ने वीडियो देखी नहीं थी कि उसकी बीवी के साथ कोई ऐसी पता ऐसी... भी नहीं था पता भी नहीं था मुझे लगता है मेजोरिटी लोगों को पता भी नहीं था उसने आगे से खुद बताया यून खुद बताए मैंने तो उनसे खुद मतलब उनकी वीडियोस से मुझे पता चले उसके बाद उन्होंने अपनी जो वीडियो बनाई उसमें उन्होंने स्क्रीनशॉट्स डाले हुए हैं और स्क्रीनशॉट्स आपको पता है एक बंदे ने कितने फेज फेक, फेक पेजेस बनाए होते हैं और अगर मैंने कुछ करना हो ना तो मैं प्री प्लानिंग करके पूरी मतलब मैं अकाउंट्स बनाऊँ मैसेज करूँ द थिंग इज़ के अगर यूट्यूबर्स को जब लाइक वो लाइन लाइट से थोड़ी देर बाद उनको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा होता ना क्योंकि अब आप देखें ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी बता दें अब कितना खुखियात नई चीज़ वो ऐड कर लेंगे वापस हाईलाइट मारने में आने के लिए ये हरकत यूट्यूबर्स करते हैं स्टंट करते हैं और ये सिर्फ इनके नहीं मैंने काफ़ी और भी देखे हैं कि जैसे इनको लगता है कि वो लोगों की नज़रों से और हट रहे हैं जस्ट फॉर फॉलोअर्स आपको पता है फॉलोअर्स के पीछे ब्लॉगर्स व्लौग, वगैरह कितना जाते हैं लेकिन ज़रा आप देखें ना वक्त के साथ साथ सोशल मीडिया वक्त की जरूरत है अब तो लोगों का ब्रेड एंड बटर बनती जा रही है ठीक है क्या आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे कोई कानून साजी आनी चाहिए या कोई गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए जो इसको केटर करे क्योंकि इस तरह तो कई लोगों की इज़्ज़तें भी उछल रही हैं जिस तरह हकूक नस्वं बिल आ जाता है औरतों का बिल आ जाता है क्या इंटरनेट पे औरतों की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए कोई ऐसा बिल नहीं आना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ अपलोड हो तो फेसबुक क्योंकि हमारे मुल्क के तो ये प्लेटफॉर्म्स नहीं है ये सब अमरीका के हैं बिल्कुल होनी चाहिए एब्सोल्युटली होनी चाहिए क्योंकि मतलब लोग अपने लिए ही मिसयूज़ कर रहे होते हैं उनको पता नहीं होता कि मतलब ये चीज़ें करके फॉलोअर्स तो मिल रहे हैं लेकिन जो इज्जत जा रही उसका क्या और सबसे बड़ी बात अगर उसकी बीवी की वीडियो बनी हुई है तो वट इज़ द पॉइंट कि वो अपनी बीवी को साथ बिठा के कर जस्टिफाई करिए जस्टिफाई करना ही क्यों है भाई हाँ मतलब रो रहे हैं और मतलब वो कह रहे हैं मैं कभी ऐसी वीडियो बनाना नहीं चाहता था आज वो दिन आगे ू फोर्स टी हूँ तो मैं किसने मतलब फोर्स करके बिठाया तो नहीं है ना आप अपनी मर्जी से बैठ रहे हो आप क्यों बैठ रहे हो और दूसरी बात सोशल मीडिया पे बिल्कुल ऐसे रूल्स होने चाहिए कि कोई इन अप्रोप्रिएट वीडियो लगे ही जो मर्जी बंदा लगाए कोई मतलब जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं कोई पे जो फ़ौर हटा देनी चाहिए मतलब अभी अप उसको अपलोड करने की ऑप्शन होनी ही नहीं चाहिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्टेंट पोस्ट होना चाहिए जो कि इंफॉर्मेटिव हो या जो कि चले फनी हो रिलेटेड हो लेकिन एक लिमिटर हो हाँ जी एक बाउंड्री हर चीज़ की एक बाउंड्री होती है मेरे खाली सोशल मीडिया पे बाउंड्रीज खत्म हो गई हैं मतलब कोई बाउंड्री है ही नहीं जिसका जो दिल करता है वो पोस्ट कर देता है लास्ट में मुझे ये बताएं आप बींग औरत अरूब को सपोर्ट करती हैं बहुत अच्छी बात है मैं भी कहता हूँ हर एक की इज्जत बराबर होती है लेकिन क्या आप इसके ऊपर एक मैसेज देना चाहेंगी कि स्टॉप selling your family for just views। या yeah, उस फिर उस पर जी बात आ जाती है कि जी हमारी मर्जी हमारी मैंटेलिटी बात ये नहीं है बात यह कि आप देखें कि आपका आपकी इन्वायरमेंट क्या आप पाकिस्तान में रहते हैं ठीक है थीके? आपका लाइक आपका जो है इर्द गिर्द का माहौल कैसा है बिल्कुल आप फैमिली को इतना रिप्रजेंट ना करें मतलब कोई सो के उठ रहे कैमरा है आपकी बीवी के ऊपर कैमरा है आपकी अम्मी के ऊपर कैमरा है अपने तक रखें आपने अपना पेज शादी से पहले इसका अपना पेज सुन शादी के बाद ये अरूप भाई, अरूप का कौन आप मुझे सिर्फ ये बताएं अरूप को शादी से मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ ना इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकली है। है। अरूप को कोई नहीं जानता था। no knows, आप, बताएं, हाँ, आप खुद बताएं, कभी आपने अरूप को अब उसके फॉलोअ मैंने खुद कभी नाम नहीं सुना पता ही तब चला जब उसकी शादी हुई है उसके बाद उसके फॉलोअर्स मिलियन में सोचा उसकी बेगम के फॉलोअर मिलियन में इवन दो शी डेड नथिंग मतलब उसने शादी से पहले क्या उसका पेज था नहीं कोई उसका ब्लॉगिंग पेज था नहीं उसका मेरा ख्याल अकाउंट भी ही नहीं था होगा भी तो प्राइवेट था ये सब हुआ शादी के बाद द थिंग इज मतलब अगर आपने अगर डक्की भाई ने अपना पेज रुकिया तो अपने तक रहें बीवी बेटी बहनों माओ को लाने का कोई तुक तो नहीं और मैं बाकियों को भी ये कहूँगी कि लाइक प्राइवेट फैमिली को प्राइवेट रखें और जो एक बंदे ने जाने स्टार्ट किए वो अपने तक ही रखें आपको लगता है YouTube को कोई ऐसी कम्युनिटी गाइडलाइंस बनानी चाहिए जिस तरह आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोग कह रहे हैं जी इसको बैन कर दें ये चीज़ ऐसी है इसने आगे फ्यूचर बनाना है ठीक है लोग इससे मदद लेके बहुत बहुत आगे जा रहे हैं ऐसे ही है टेक्नोलॉजी बुरी चीज है या टेक्नोलॉजी का यूज टेक्नोलॉजी बिल्कुल बुरी चीज नहीं टेक्नोलॉजी हमारे फायदे की। देखिए हर चीज का एक मिसयूज़ है आपका वो ऊपर डिपेंड करता है। मैं उस चीज को एक अच्छे तरीके से यूज करूँ या बुरे तरीके से यूज करूँ एक आप फ़ोन की एग्जांपल ले लें फोन को अगर मैं चाहूँ तो मैं अच्छे तरीके से भी यूज़ कर सकती हूँ और चाहूँ तो बुरे तरीके से भी यूज़ कर सकती हूँ आगे का फ्यूचर इज़ एआई ठीक है उसके बगैर हम कुछ नहीं अब आप देखें हर ऐप पे एआई है हर ऐप स्टेप व्हाट्सएप पे आ गया इंस्टाग्राम पे आ गया हर जगह ए है तो ए को नहीं हम खत्म कर सकते पूरी दुनिया में ए इस्तेमाल हो रहा है पूरी दुनिया में आप पूरी दुनिया सब ए आई खत्म करवाएंगे बिल्कुल नहीं हमने अपने आप को ठीक करने हम टेक्नोलॉजी को गलत नहीं कर सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी ज़रूरत है और हमारा मुल्क अभी भी टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे लोग बहुत आगे निकल गए हैं मसला ये है कि हम लोग खुद ही ठीक नहीं हो रहे सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए और आपने आपने बिल्कुल अगर आपने ये ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग स्टार्ट की है जिस बंदे ने स्टार्ट की उसको उस तक अगर मेरा पेज है तो मैं अपने तक रहूँ मैं साथ अपनी बहनों को अपनी अम्मा को अपने भाइयों को ना लेके आऊँ ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को अपने भाइयों को भी ना मेरा पेज है मेरे तक रहे ताकि कल को चीज़ें आगे बिगड़े ना और फजूल में इज़्ज़तें छु ना क्योंकि अगर ये स्टंट है तो ये बहुत ही फजूल किस्म का स्टंट है क्योंकि एट दी एंड फॉलोअर्स तो मिल गए हैं बट एट दी एंड जो लोग बातें कर रहे हैं न, रिस्पेक्ट जो चली वो जो चली चली गई वो सोशल मीडिया ने रिस्पेक्ट का आंसर खत्म कर दी बिल्कुल रिस्पेक्ट का बिल्कुल ख़त्म कर दिया मतलब लोग हर चीज़ को मजाक में ले जाते हैं हर चीज़ को मजाक में ले जाते हैं अब आप देखेंगे पॉजिटिव कमेंट्स भी होंगे लेकिन जितने नेगेटिव कमेंट्स और जितने पेजेस ने उसकी पिक्चर्स बना बनू अब आप वो वीडियो ही देख लें उसने वीडियो को अपनी तरफ से बड़ा एडिट शेडिट करके किया है बट द थिंग इज अगर वो ये चीज़ बताता ही ना ये चीज़ हुई है गलत हुई है अगर उसके साथ किसी ने ये बहुत थर्ड क्लास हरकत की है ये वो अगर वीडियो ने बताते तो काफ़ी लोग थे जिन्होंने वीडियो कभी देखी ही नहीं थी तो उन्हें पता भी नहीं था आ, दस लाख इनाम दूंगा ये होगा वो होगा आप उसको पकड़वा लेंगे इस तरह के तो और कितने केसेज हैं इस तरह तो अलाम माफ लिए और इतनी चीज़ें होती हैं बैठे हुए हैं जेल में उनकी कैदी बैठे हुए हैं बट द थिंग इज चीज़ें नहीं रुकती इंसान ने अपने आप को ख़ुद चेंज करना है और अगर आप मशहूर हैं किसी फील्ड में तो आप अपने तक रहें ज़रा मुझे आप लास्टली एक चीज़ बताएं कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसा लॉ या अमेंडमेंट क्योंकि आपको पता है जिस तरह कई औरतों की ज़िंदगी इससे बर्बाद हुई हैं ठीक है को पुराना बीस साल पुराना मैसेज निकल आता है को एमएमएस क्योंकि एक जैसा कहते हैं ना एक तूफ़ान बदतमीजी है उसके अंदर कई घर टूट जाते हैं तलाके हो जाती हैं लोग सारी सारी ज़िंदगी के एक रोग में मुबतला हो जाते हैं डिप्रेशन की मरीज़ बनती मैंने कई औरतें देखी हैं मतलब औरतों की तहफ़ में तो नाकामी नज़र आ रही है मुझे क्या कहेंगे आप बिल्कुल ऐसा ही है सबसे पहले रूल्स तो बनने ही चाहिए सोशल मीडिया पे पहले प्लेटफॉर्म मेन जहाँ से काम का एक चीज़ शुरू होती है वहाँ पे तो रूल्स सबसे पहले बनने चाहिए उसके बाद अब एक हम हम एक कंट्री में रहते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट होने चाहिए अब आप डिपार्टमेंट्स देख लें एफ इनको चाहिए है कि इतने रूल सेट करें मतलब औरतों के लिए एटलीस्ट ये रूल सेट करें कि कोई ऐसी बदतमीजी किसी के साथ होती है और होती है हज़ारों की तादाद में आप एक यूनिवर्सिटी ही चले जाएँ ठीक है अब यंग जनरेशन में चीज़ बहुत कॉमन है आपको पता ही होगा आप एक यूनिवर्सिटी में चली जाएं आप लड़कियों से पूछें कुछ लड़कियां सुसाइड अटैम्प्ट इतनी कॉमन हो गई हैं मैं अब यूनिवर्सिटी जाती हूँ आपको बता रही हूं सुसाइड अटैम्प्ट इतनी कॉमन हो गई हैं कि किस वजह से सिर्फ हरासमेंट की वजह से हरासमेंट इतनी कॉमन हो चुकी है इस हरासमेंट की वजह से लोगों के घर बहुत टूटते हैं कोई पुरानी चैट निकल आती है कोई पुरानी पिक्चर निकल आती है और फिर आपको पता है पिक्चर की एडिटिंग भी अब इतनी ओरिजिनलिटी ओरिजिनल अब पता ही नहीं लगता उसकी वजह से चीज़ें लेकिन मसला ये कि एट दी एंड हमारा मुल्क का कोई ऐसा सेट रूल ही नहीं है कि हम उस रूल को फॉलो करें क्योंकि देखें अगर एक मतलब किसी ने हरकत की उसको सजा मिलेगी ना सरे आम तो अगला बंदा हरकत करने मतलब से पहले प्रेसिडेंट जाएगा जी हरकत करने से पहले दस दफ़ा सोचेगा जरूर कि यार ये मैं हरकत कर लूँ कर लूँ हमारे यहाँ ये एटलीस्ट एक ये रूल तो बने कि अगर कोई ऐसी एक औरत के साथ कोई हरकत होती है कोई हरासमेंट होती है नो मैटर वॉट उसने क्या किया क्या नहीं वो उनका अपना ज़ाती मामला था ठीक है अगर उसके हरासमेंट होती है और कोई ऐसी चीज़ निकल आती है उनके लिए कोई ऐसी सज़ा हो और ऐसे लोगों को सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से अल्लाह माफ़ करें जो लोग सुसाइड कर लेते हैं जो लोग पूरी ज़िंदगी अल्लाह माफ़ करें डिप्रेशन में चले जाते हैं घर टूट जाते हैं तो थे थे इतनी चीज़ें होती हैं मेरे ख़्याल से लाजमी तौर के ऊपर इसके ऊपर एफ़ आई ए को ना मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी गवर्नमेंट से लाजमी एक्शन लें और एक्शन लेने लेके दिखाई भी सोशल मीडिया सोशल मीडिया पे ये भी चीजें दिखानी चाहिए। में रूल ब... को बनाना बिल्कुल बनना चाहिए रूल और सोशल मीडिया पे जैसे बाकी चीजें दिखा रहे थे भी दिखाएं कि इस आदमी ने ये हरकत की और उसकी शकल दिखाई जो शक्ल पे शॉपर बांध के आगे ले आते कि शकल नहीं दिखानी शक्ल कम अज़ कम उसे शर्मिंदा बिल्कुल शक्ल भी दिखाएं और दिखाएं की इस आदमी ने ये ये हरकत की तो उसके साथ ये सजा हो ताकि अगला आदमी जो ऐसी हरकत करे ना वो दो मिनट सोचे उसके घर मार

इस हवाले से सोशल मीडिया के हवाले से या हरासमेंट के हवाले से बिकॉज शी इटसेल्फ सेल्फ फीमेल है तो उन्हें पता है इस चीज़ के हवाले से क्या आप मुझे लास्ट में ये पता है आप रोज़ जाती हैं यूनिवर्सिटी तो किस किस किस्म की हरासमेंट मतलब अगर आप कॉमन है देखिए कुछ तो हरासमेंट ऐसी जैसे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल के एक लड़की ने कह दी कि मैंने आपसे बात नहीं करनी थी, ठीक है मतलब ब्लॉक हो गया हुआ है लोग अब अब आपको पता है एडिटिंग वगैरह इतनी कॉमन हो गई है लोग इस लड़कियां इस डर से बात करने लग जाती हैं कि कोई मेरी फजूल आउट ऑफ नो वेयर किसी और पिक्चर के ऊपर मेरी शक्ल ना लगा दी एक ये हरासमेंट है एक ये हेरासमेंट है किसी ने अगर बात कर ही ली है तो मैं स्क्रीन शॉट चैट के अपने से ही बना के पिक्चर किसी के साथ किसी की है वो करके उससे हरास करना कि हम आपकी तुम्हारी पिक्चर्स आगे कर देंगे देखिए हर लड़की को अपनी इज्जत से प्यारी तो कोई चीज़ नहीं कोई भी और आपको है एक इज्जत एक ग्लास की तरह अगर आप शीशे का ग्लास तोड़ देंगे उस पर आप टेप से जैसे मर्ज़ी लें जब पानी डालेंगे तो तो पानी बाहर होगा ही होगा तो बिल्कुल इज्जत पे अगर एक दफा दाग लग जाए तो फिर वो आपको है कि फिर तो हमारा एक आप सोच लें कि एक डिवोस्ड वाले उसको ही अल्लाह माफ करें हमारी सोसाइटी ऐसी गंदी नजर से देखती है कि पता नहीं उसका ही कसूर होगा तो वो आज अपना घर तुड़वा के बैठी है हमारी सोसाइटी ऐसी तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि एक गवर्नमेंट को ज़रूर इसके ऊपर रूल सेट करने चाहिए और आई गेस स्टेप लेना चाहिए और सबसे पहले इस चीज़ पे ही स्टेप लेना चाहिए क्योंकि विद टेक्नोलॉजी मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी चीज़ें और गंदी होंगी बढ़ेंगी लोग और गंद में मुबला होंगे और दूसरा ये बात कि सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म सेट होना चाहिए रूल सेट होने चाहिए और तीसरा ये कि इंसान को पहले अपने आप को खुद चेंज करना चाहिए और ऐसा कदम किसी के लिए भी लेने से पहले और अगर इंसान अपने लिए ख़ुद ही स्टंटबाजी करे तो फिर फिर कुछ नहीं किया जा सकता नाजरीन आपने एक यंगस्टर की वॉइस सुनी और मैं उम्मीद करता हूँ कि अरूब जतोई को इंसाफ ज़रूर मिलेगा और सोशल मीडिया के जितने भी साफी हैं उनसे हमारे प्लेटफॉर्म उठो पाकिस्तान से अपील है अपने घर वालों को अपने तक महदूद रखें कैमरे की आंख से महफूज रखें शुक्रिया